ओके सो प्रीवियस पेज में हम लोगों ने देखा एक सिंगल चार्ज का लेकर है ना। ओके लेट मी जॉइन। ओके ओके सो आई गेस एवरीवन इज राइट। ठीक है मेरा हाँ या सॉरी सो ऑडियो इको। हाँ सो लेट्स यूटिलाइज फोर पेज ना यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। तो लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज लेट्स आपके पास यहाँ पर। और जो हमें स्टडी करना है वो अलोंग एक्स एक्सिस स्टडी करना है, मतलब एक्स एक्सिस में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इफ आई वांट टू चेक बोथ दिस वैल्यूज तो फिर कैसा ग्राफ दिखेगा ना। एंड अज्यूमिंग रेफरेंस के लिए ओरिजिन क्या है, बिकॉज यहाँ पर डिजाइन में सिमेट्री होगा अगर आप यहाँ पर बीच में रेफरेंस ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस विच विल बी यूज फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस आपका बेसिकली, ठीक है, विच इज बेसिकली डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप यूज कर रहे हो, है ना, विच इज मैग्नीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये आपने एक्स एक्सिस पे यूज कर लिया। एंड वाई एक्सिस वी आर यूजिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पॉजिटिव इलेक्ट मेरा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, है ना, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नीचे ड्रॉ कर लेंगे। बोथ दी चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना, हमें एक रफ क्लैरिटी चाहिए कि किस तरह से पॉसिबली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। एंड व्हाट वी नो फॉर श्योर इज कि आप जैसे ही एक किसी भी चार्ज से अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, देखो डिक्रीज करने के दो तरीके होते हैं, थ्री जनरल ग्राफ में राइट साइड में ड्रॉ करो, तीन तीन तरह का डिक्रीज जनरल। एक तो हो गया आपका ऐसा वेरिएशन, ये भी डिक्रीज है लेकिन लीनियर वे में क्या है आपका वैल्यू डिक्रीज करें, ठीक है। एक हो गया इस तरह का वेरिएशन, ठीक, ये भी डिक्रीज है लेकिन इस डिक्रीज में क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो शार्पनेस कम हो रहा है, मेरा मतलब आपका जो रेट ऑफ डिक्रीज है बिगिनिंग के पार्ट में स्लो है, बिगिनिंग के पार्ट में क्या है रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम डिक्रीज है, एंड बाद में फिर थोड़ा शार्प डिक्रीज हो, ठीक है। एंड एक वन ओवर एक्स स्क्वायर है ना, वन ओवर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह का बनता है। इसका मतलब क्या है कि बिगिनिंग में ये आपका काफी फास्ट डिक्रीज है एंड आगे जाने के बाद वैल्यूज इतने छोटे हो रहे हैं कि डिक्रीज हो भी रहा है तो कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप चार्ज से थोड़ा सा भी डिस्टेंस पे हो तो बहुत शार्पली वैल्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा, एंड एक बार डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया फिर आप डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो वैल्यूज में बहुत कम फर्क आने लगता है, ठीक है। सो ये नेचर है वन ओवर आर स्क्वायर, वन ओवर आर क्यूब, तीनों का जो वेरिएशन है ना इसी तरह का मिलेगा। और ये तीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस थ्री फंक्शंस आर ऑफ सम यूज फॉर अस, है ना, फिजिक्स में। तो दोनों चार्ज अगर रहेंगे तो दोनों का ही बिहेवियर सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं ना, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू, दो ही पॉइंट लेते हैं बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बाइनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दो दो चार्जेस को स्टडी करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मल्टीपल पॉइंट लेना। सो लेट्स से ड्रॉ ओनली पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू, आपको ये डिसाइड करना है पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में आना चाहिए बताओ फटाफट, चैट पे रिप्लाई करो एवरीवन, लेट मी नो इफ यू कैन गेट इट करेक्टली या नॉट। ड्यू टू बोथ पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में आएगा, काफी लोगों ने मैसेज पे लिखा है पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, ट्रू पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा ना। तो वन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही आएगा, मेरा मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है।
है ना, और पॉइंट नंबर टू पे भी आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएंगे आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज कंफर्म हो गई। दूसरी चीज क्या है, वो तुम लोगों को ही कंफर्म करना है, वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बड़ा आएगा या फिर टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बड़ा आएगा ड्यू टू बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस को देखते हुए आपको बताना है कि किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाएगा। रिप्लाई करो फटाफट। वन वन पे बढ़ाएगा ना, वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बढ़ाएगा। वाई? बिकॉज वन क्या है आपका फर्स्ट वाले पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वाले पॉजिटिव चार्ज, और मे बी आई शुड राइट ए और बी, ए के पॉजिटिव चार्ज एंड बी पॉजिटिव चार्ज से दोनों ही पॉजिटिव चार्ज से वेरी क्लोज है, ठीक है, कंपेयर टू टू। टू तो क्या दोनों से दूर हो गया आपका, तो डेफिनेटली टू पे वैल्यू कम होगा, ठीक है। नाउ देखो, दो ऑब्जर्वेशन था, एक ऑब्जर्वेशन था डायरेक्शन, दैट वी डिड, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था हमारा कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वन पे टू से बड़ा होगा फॉर श्योर, दैट वी अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड थिंग इज, जब आप बी वाले पॉजिटिव चार्ज के बहुत क्लोज आ जाओगे ना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लो एकदम यहां पर आ गया, तो टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसका वैल्यू होगा वन ओवर आर स्क्वायर। जस्ट इमेजिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका आर बहुत छोटा होता, आर टेंस टू जीरो, मतलब आर इज वेरी स्मॉल, तो वन ओवर आर स्क्वायर जैसे टर्म्स आपको कैसे वैल्यू देंगे, वेरी इंफिनिटी, मतलब वो सब शो ऑफ है बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा, बहुत बड़ा मतलब मे बी 10 बिलियन ट्रिलियन समथिंग लाइक दैट कंपेयर टू वन। तो अगर मैं 1 बिलियन एड कर रहा हूँ, मान लो लेफ्ट वाले चार्ज का भी कुछ इफेक्ट होगा, नो डाउट, चार्ज का भी कुछ इफेक्ट आएगा, ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पे बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर थ्री पे क्या है, चार्ज ए का भी इफेक्ट आएगा, अग्रीड, लेकिन चार्ज बी का जो इफेक्ट आएगा दैट विल बी इनसेनली ह्यूज, है ना, मतलब क्योंकि आप बी के बहुत क्लोज हो, और बी क्लोज होने पे वन ओवर आर स्क्वायर जैसे टर्म बहुत खतरनाक वैल्यूज देते हैं। सो इट सिंपली मीन्स कि वन का वैल्यू टू से कम आएगा, नो डाउट। थ्री का वैल्यू क्या आएगा, वन से बड़ा आएगा और काफी बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा का मतलब ये होता है ना कि आप जो लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे वो आप बेसिकली इन्फिनिटी से आप लेकर आओ, इस तरह से आप लाइन लेकर आओ, एकदम पैरेलल काइंड ऑफ वर्टिकल लाइन आप लेकर आओगे, और फिर वहां से आपको कर्वेचर चेंज करना है और फिर इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली करेक्ट ग्राफ है, ऑल्दो इट इज, ठीक है, काफी हद तक ये करेक्ट ग्राफ है, बट एग्जैक्ट कर्वेचर वेरिएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट चीजें जो टर्निंग पॉइंट्स आप बोल सकते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो है बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये चीज कि जब आप चार्ज बी के वेरी क्लोज तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, इंसेंटली बड़ा वैल्यू, तो आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए ना, वर्टिकल वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल ऐसे आना चाहिए वहां से। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, ये दोनों चीजें, ठीक है, ये दोनों चीजें कि बेसिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो फिर कर्वेचर, इस तरह से कर्वेचर का मतलब क्या, शार्पली वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि आपका ग्राफ क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग या तो आपको ऊपर बनाना है या फिर नीचे बनाना, ओके, ठीक है। सो यू गॉट द फंडा, राइट। तो ये पार्ट क्लियर है सभी को, द ओनली देन आई विल प्रोसीड टू अदर रीजंस वेयर वी हैव टू एनालाइज आल्सो। कंफर्म करो फटाफट चार्ट का, क्या ये फंडा क्लियर है सभी को, क्विक क्विक फास्ट। क्लियर है, सो आई एम अस्सुमिंग मोर ऑर लेस सारे बच्चों क्लियर है, नहीं क्लियर है ना तो आप मैसेज में भी डाल सकते हो या फिर ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज वर्ड ही नहीं यूज किया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, विवेक इज सेइंग कि अगर टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के बहुत पास आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा ना, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दैट क्वेश्चन प्रॉब्लम मींस, बट व्हाट वी आर 100% श्योर कि टेस्ट चार्ज जैसा कुछ डिस्कस ही नहीं है ना, टेस्ट चार्ज यहाँ कोई है ही नहीं, ठीक है। वी हैव ओनली टू सोर्स चार्जेस, एक चार्ज ए एक चार्ज बी, दो चार्ज है, और उसकी वजह से स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि स्पेस पे हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, स्ट्रेंथ कितना मैग्नीट्यूड में मिलेगा, बस हम लोग उस चीज में इंटरेस्टेड है। टेस्ट चार्ज का मतलब वर्ड ही नहीं यूज किया ना, फॉरगेट अबाउट उसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, हम लोग वो वर्ड टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया यहाँ पर, सॉरी। हाँ, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस बिटवीन ओरिजिन एंड बी। अच्छा, तो अब हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। अब टेल मी ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन को कुछ लिख देते हैं, क्या लिखे ओरिजिन को, ओ लिख देते, ओरिजिन को ओ लिख देते। ओ पे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज लेफ्ट का चार्ज और राइट का चार्ज, लेट्स अज्यूम दोनों चार्जेस सेम है, क्यू क्यू चार्ज नहीं यूज करो, ठीक है। टेल मी ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, फास्ट फास्ट,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कर रखे ना हम लोगों ने, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा राइट, और ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपको एक चीज पता है, आपको कर्व जो है यहाँ से पक्का पास हो, 100% पास हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो एक मैं पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से तो पास होना ही पड़ेगा, जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, कर्व ड्रॉ करोगे, इट हैज टू पास थ्रू ओरिजिन 100%, ठीक है। इज इट बेटर नाउ? ओके, ठीक है, अब ध्यान देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास ओरिजिन पे फॉर श्योर 100% इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब आप क्या करो, दो पार्ट हो गया, ओ से बी के बीच में पहले देख लेते, ठीक है। ओ से बी के बीच में देखो, अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ ना, ये सब स्टडी करने के लिए पॉइंट ले रहा हूँ, चलो इससे पॉइंट नंबर 4 ले लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर मैंने 4 ले लिया और इससे पॉइंट नंबर 5 ले लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर फिलहाल एक पिक करते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 4, टेल मी पॉइंट नंबर 4 पे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगा या फिर बी का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगा, क्योंकि जिसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगा वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। बताओ बच्चों, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगा? पॉइंट नंबर 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए का बड़ा आएगा या फिर बी का बड़ा? बी का बड़ा है, क्यों? उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि सर आप बी के बहुत क्लोज है ओरिजिन पे। अगर आप ओरिजिन पे होते तो आपका डिस्टेंस क्या है, ए और बी दोनों से सेम होता। अगर आप पॉइंट नंबर 4 पे हैं, देन बी के आप क्लोज है, ए से दूर है, तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। नॉट टेल मी बी का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, पॉइंट नंबर 4 पे बी का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? नेगेटिव आएगा, दैट्स करेक्ट, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 क्या है, बी के लेफ्ट में है ना, तो बी आपका 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक चीज ये हमें समझ में आ गया कि ग्राफ हमें नीचे प्लॉट करना है, ठीक है। सो दैट पार्ट वी अंडरस्टूड। तो अब हमें पता है ग्राफ नीचे प्लॉट करना है, सो लेट मी शिफ्ट दिस पॉइंट्स ऊपर, है ना, क्योंकि फिर नीचे जगह नहीं मिल जाएगी। ओके, या फाइन। अब ये बताओ, सेकंड ऑब्जर्वेशन, 5 पे और 4 में, ठीक है, 5 और 4 में क्या डिफरेंस है? 5 आपका बी से ज्यादा क्लोज, ठीक है। इमेजिन करो, अगर बी के यहां पर एक पॉइंट लेता हूं मैं, विच इज वेरी क्लोज टू बी, तो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट आएगा, विच मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन आएगा, तो कर्व तो नीचे ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, अगेन इन्फिनिटी होगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? जैसे पॉइंट नंबर 6 में बोल दूंगा इसको, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होगा आपका, काफी बड़ा वैल्यू आएगा, और इतना बड़ा वैल्यू आएगा कि बेसिकली आप उसको काइंड ऑफ इन्फिनिटी या फिर उससे कंपेरिजन बेसिकली अदर वैल्यूज को आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ग्राफ क्या है, आई मीन अलग अलग ऑब्जर्वेशन में क्या पता चला कि एक तो ग्राफ आपको नीचे से नीचे ड्रॉ करते हैं, क्यों? बिकॉज पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ओ एंड बी, ओ और बी के बीच में जो भी पॉइंट्स है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होने वाला है, निगेटिव, तो ग्राफ नीचे बनेगा फॉर श्योर। सेकेंड थिंग इज, 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। 5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ा आएगा। 6 पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, और बढ़ा आएगा, क्यों? बिकॉज 6 बहुत ही क्लोज है बी के, और किसी भी चार्ज के अगर आप बहुत क्लोज हो गए तो वैल्यू बहुत बड़ा आता है, ठीक है। तो कर्व देखो कैसा बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा इस तरह से। बी जैसे ही पॉइंट नंबर 6 के पास पहुंच रहा हूं, मुझे क्या होगा, एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल कर्व बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट था कि ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सेकेंड चीज क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट कि जैसे जैसे आप बी के लेफ्ट में, अग्री, लेकिन अगर आप बी के लेफ्ट में बहुत क्लोज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा निगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब आपको ग्राफ क्या ऐसे नीचे ड्रॉ करना है और सीधा नीचे चले जाना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी मेरा मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्या करो आप, ओ ए और ओ के बीच में सिमिलर रीजनिंग यूज करो, एंड लेट्स सी इफ यू कैन ड्रॉ इट और नॉट, ठीक है। सो ए और ओ पॉइंट के बीच में स्टडी करें, ठीक है। तो अगेन ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो तो मैं पहले से ही पता है, ठीक है। अगर मैं ए के बहुत क्लोज हूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का डायरेक्शन क्या है, वैल्यू क्या आएगा, काफी बड़ा आएगा, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा। एट द सेम टाइम अगर ए पे मैं हूं तो फिर ए के बहुत क्लोज होगा, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, एंड ए का इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या कहां पर है, जैसे पॉइंट नंबर सेवन मैं इसको बोल रहा हूँ, तो पॉइंट नंबर सेवन पर टेल मी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, एवरी वन रिप्लाई फटाफट ऑन चैट, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा पॉइंट नंबर सेवन पे, पॉइंट नंबर सेवन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा क्योंकि ए के बहुत क्लोज है, एंड उसका डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है. ओके सो सेवन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना पॉजिटिव है, ओरिजिन पे अपना जीरो है, एंड आपको ये भी पता है सेवन पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, ऐसे इन्फिनिटी से आपको स्टार्ट करना है और वहां से इस तरह से आपको लेकर यहाँ पर मैच करा देना. ठीक है, तो ये कब आपका रेडी हो गया है ना, आई होप ये पार्ट क्लियर, क्या ये सभी को ये पार्ट क्लियर है, किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ. यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वही थे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर ये था कि ओरिजिन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अगर ए के राइट साइड में आप हो बट वेरी क्लोज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बढ़ाएगा. ठीक है, मैं रेड सर्कल से मार्क कर दे रहा हूँ जो भी पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट. ठीक है, और बिकॉज अब हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया विजुअली समझने का, तो इट्स नॉट एसेंशियल कि आप बीच में दो दो पॉइंट हर जगह ड्रॉ करते हुए चलो ना, ये क्या फर्स्ट वन और टू डायग्राम्स के लिए वी कैन डू, बट फिर आप जनरलाइज करके यूज कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज, है ना, बस आपको क्या एक रफ क्लैरिटी होना चाहिए कि किस तरह से डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी करें. ठीक है, अब क्या ए से लेफ्ट के डायरेक्शन में बातें करते हैं. ठीक है, सो ए से लेफ्ट के डायरेक्शन में अगर मान लो मैं पॉइंट नंबर एट लेता हूं, जैसे पॉइंट नंबर एट लेता हूं, है ना, तो टेल मी पॉइंट नंबर एट बिकॉज ए के बहुत क्लोज है तो बी का फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो, और पॉइंट नंबर एट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चैट पे रिप्लाई करो फटाफट, क्योंकि ए का फर्क पड़ेगा बी का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट नंबर एट पर, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज. निगेटिव, अग्री, ट्रू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे पॉइंट दो पॉइंट लेता हूं मैं, पॉइंट नंबर एट और नाइन, तो टेल मी पॉइंट नंबर नाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा, करेक्ट, नाइन क्या हो गया आपका डिस्टेंस बड़ा हो गया, डिस्टेंस बढ़ने पे क्या मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज होता है. तो दो चीजें, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव आएगा यानी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसलिए निगेटिव ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, दूसरा ये हुआ कि आपका वैल्यू आगे जाने पर क्या मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज करेगा, राइट. सो तो कर्व जो है हमारा ए से लेफ्ट वाले साइड में इस तरह से ड्रॉ करना है मैंने, ये एकदम इन्फिनिटी से आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको ऐसे ले जाना है और आगे जाने पे वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो ये एक बाइनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन कि आप दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लेफ्ट में है या फिर राइट में है या फिर आप मिडिल में है दोनों चार्ज के, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक वेरिएशन हो गया ना. जो लास्ट कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जब आप चार्ज ए के लेफ्ट में है लेकिन वेरी क्लोज है तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का काफी हाई होगा, एंड दूसरी चीज ये कि जब आप दूर जाने लगोगे ना टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर बहुत डिस्टेंस पे आप जाकर देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत छोटा होता जाएगा, विच मीन्स जो कर्व है धीरे धीरे क्या एक्स एक्सिस को टच करते हुए हमें दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा. ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, एंड लेट मी नो अगर इसमें कुछ लग रहा है कि कोई पार्ट क्लियर नहीं है, कुछ गड़बड़ है. ठीक है, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है या फिर कुछ लग रहा है और कहीं पर डाउट है तो लेट मी नो, बता दो फटाफट, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो जाएगी. हालांकि ग्राफ से आपका जो इंट्रैक्शन है काफी बार होगा, बार बार यूज करोगे आप ग्राफ, और काफी कॉमन हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ का स्टडी एंड यूज करना, तो बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, आगे भी बहुत सारे ग्राफ आएंगे और वो हमें एक एक करके सब देखना पड़ेगा.
सर ओके ऑसम। सो आई गेस सबने नोट कर लिया है। आई होप सबको क्लियर भी है, और अगर नहीं है तो दिस इज वन लास्ट चांस कि हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और एल्स मैं कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ ना इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एंड आपको ग्राफ ड्रॉ करके देखना, और ये यू मस्ट ट्राई करना, अदरवाइज फिर बाद में कट जाएगा। सो अभी से जो मैं बोलूँ आपको प्रैक्टिस करेंगे, मैं बहुत कम चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिकमेंड करूँगा, एंड जब मैं कुछ बोलूँ कि आप ये जरूर ट्राई करना या फिर ये प्रॉब्लम जरूर ट्राई करना, मेक श्योर यू डू इट। अनंत बात समझ में आ रही है? Yes. So this is kind of not sheet wala homework jo actually hum log discuss karenge, ye bas I don't know what to call it, fake homework bol sakte hain, but you should do it if you are really serious, or easy problems hai, kuch complicated nahi deta hu. So let's say aapke paas charge distribution hai और वैल्यूज मैग्नीट्यूड चार्ज के डिफरेंट, ठीक है। एक काम करते हैं, सब सिंपल केस से ले लेते हैं। सो लेट्स से चार्ज का वैल्यू इक्वल है बट दोनों नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ओरिजिन कंसिडर करना है। ये चार्ज नंबर ए हो गए, चार्ज नंबर बी हो गए, ठीक है, और ओरिजिन को ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है सिमिलर वे में जैसे हम लोगों ने सिंगल चार्ज के लिए एंड एक बाइनरी चार्ज का जैसे हम लोगों ने केस किया, ठीक है, इसके लिए आपको प्लॉट करना है। लेट मी गिव यू, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, एक और क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बट दोनों के वैल्यूज डिफरेंट है, समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, से प्लस फोर क्यू, ठीक है, और यहां पर जो चार्ज है आपके पास वो माइनस क्यू, ये हो गया आपके पास ना, ये सेकंड सिनेरियो हो गया। और ऑब्वियसली इसमें आपको इसको चार्ज ए बोलते हैं, इसको चार्ज बी, और ये सेंटर वाले को, सेंटर पे चार्ज नहीं है, जस्ट रेफरेंस के ओरिजिन मैंने बना दिया। थर्ड केस इज जहाँ पर आप ये कर्व ट्राई कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाने का सिर्फ ये मतलब है कि उसके आसपास क्या होगा रिजल्ट का वैल्यू, मेरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड है वो काफी बड़ा आएगा, बेसिकली इन्फिनिटी वाले पॉइंट से हो सकता है, ठीक है, इसीलिए वो बार वो कम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, मैथ्स में भी ड्रॉ करते हैं, पता नहीं पैराबोला हाइपरबोला वगैरह अगर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा, वहां पे भी ऐसे एक ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन, कुछ स्पेसिफिक नाम भी होता है ना, मैं भूल गया। सो ये चार्ज प्लस क्यू है आपके पास और यहाँ पर माइनस फोर क्यू चार्ज, ठीक है, एंड रेफरेंस के लिए ओरिजिन आपको सेंटर पर से मिलेगा, और ये चार्ज ये हो गया, चार्ज बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, एंड नोट करके फटाफट लेट मी नो। हो गया किड्स नोट के लिए सब लोगों ने, प्लीज एवरीवन रिप्लाई ऑन चैट फास्ट।
ओके ऑसम, सब लोग नोट कर लिया है ना। अब चलते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना होता है, इंटीग्रेट करके निकालना होता है, और उसको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रखोगे, एंड एट द सेम टाइम कैसे डेराइव कर रहे हैं उसको भी आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस में भी रहना चाहिए। प्लस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, मेरा मतलब मैथमेटिक्स में, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, बहुत फ्रिक्वेंटली इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आप करेंगे, तो आपका इंटीग्रेशन में जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फिर ये थोड़े बहुत जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो अभी इट माइट फील ये सब थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा है इंटीग्रेशन, एक्चुअली वो सब बहुत बेसिक इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, एंड दैट यू विल गेट टू नो इन 3-4 मंथ्स। ठीक, जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं, सो वी नीड टू फिगर आउट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। एक चार्ज रॉड मिलेगा हमें, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, उससे अगर किसी भी जनरल पॉइंट पे आपने एक ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एंड क्या मैग्नीट्यूड है, तो कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड होना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए इंडिकेट करना भी मुश्किल होगा और देर आर गुड चांसेस कि कुछ ढंग का रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें मैं जैसे डेराइव कर रहा हूँ एंड जिस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे उसको आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, कुछ मिस आउट हो जाएगा तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और मेरे हिसाब से ये एक्चुअली एक सिंगल इंटीग्रेशन है या फॉर्मूला है जिसमें मतलब इस पर्टिकुलर केस में ही थोड़ा डिफिकल्टी आता है, बाकी केसेस जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन के या डिजाइन के वो एक्चुअली आपको इजी लगेंगे, ये वाला आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, बट नॉट इट्स नॉट डिफिकल्ट अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो। तो एक काम करो, आप क्या है सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज रॉड बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड हो गया, ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, एंड जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है एंड वी डोंट नो कहाँ होगा। सो आप क्या एक जनरल पॉइंट थोड़ा सा राइटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर आप एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लो। ठीक है, ये वो जनरल पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है बिकॉज ऑफ कंप्लीट रॉड है ना, तो पूरे रॉड से का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या आएगा, दैट वी नीड टू फिगर आउट। एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इट, मेथड क्या है उसको ध्यान दो। सबसे पहले क्या, आप एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन क्या रॉड पे आप ड्रॉ करो, और ये बार बार आप यूज करोगे, इवन फॉर्मूला डेराइव करने के बाद जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप यही अप्रोच यूज करोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे और यू विल टेंड टू फॉरगेट एंड यू विल एक्चुअली फॉरगेट, क्योंकि हमें बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ना है और 11 का फिजिक्स भी नहीं भूलना है। तो मेथड दिमाग में रखो, आप क्या है जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें भी ऐसे बना देना, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मैं ऑब्वियसली मैं रॉड का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है ना, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो जो कूलम्स लॉ हमारे लिए वो क्या, आपका एक पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई करें, अगर पॉइंट चार्ज नहीं दिए तो आप छोटे से चार्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, रैंडमली नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट हमें रॉड का कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन पार्ट कंसिडर करने का मेथड क्या है, एक लाइन आपने ड्रॉ किया जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अपना, वहां से रॉड पे मिलता हुआ एट सम एंगल थीटा, और एंगल थीटा इस तरह से ले, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा ले, एंगल थीटा पे क्या हुआ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंड बिकॉज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक छोटा सा पार्ट हमें कट करना है, थीटा वेरिएबल लेने के बाद जब आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो इसको डी थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा मैंने लिया वर्टिकल, जो हमारे पास वर्टिकली वर्टिकल येलो लाइन है, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से, वर्टिकल येलो लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने डी थीटा बेसिकली एक छोटा सा पार्टली एंगल का,
एंड ये डी थीटा पार्ट जो है रॉड का ये इतना सा पार्ट कवर करता है राइट, जो मैंने वहां पे मार्क कर रखा है, ठीक है, मैंने उसको डार्क करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इतना सा पार्ट जो रॉड का कवर कर रहा है, और वो कौन कवर कर रहा है, डी थीटा एंगल जो छोटा सा आपने लिया है वो कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। और जो डिस्टेंस है पॉइंट का रॉड से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स कॉल इट आर, एक्चुअली आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट कोई एक चीज याद रखते हैं और बार बार हम लोग सब लोग मिलकर वही सेम चीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नाउ रॉड का जो चार्ज है टोटल, दैट वी डोंट नो, सो लेट्स से टोटल चार्ज इज क्यू, एंड रॉड का जो लेंथ है दैट वी ऑल्सो डोंट नो, सो लेट्स अज्यूम कि वो एल। अब क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज विल नीड टू राइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें उसका कॉन्सेप्ट में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया था, इज सिंपल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आपके रॉड पर टोटल चार्ज क्या है, क्यू, लेंथ क्या है रॉड का, एल, तो ये हो गया आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो छोटा सा ब्लैक पीस मैंने कट किया है ना, इस पर कुछ चार्ज होगा, और वो बहुत छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, बट उसका वैल्यू मुझे नहीं पता कि कितना है, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, और इसी वर्टिकल येलो लाइन से अगर मैं ये डिस्टेंस अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, वर्टिकल येलो लाइन से अगर मैं इस डिस्टेंस को अगर मैं एक्स बोल देता हूँ, तो ये जो विड्थ है हमारे पास, छोटा सा पीस जो हम लोगों ने रॉड का कट किया, उस विड्थ को हम लोग डी एक्स बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इफ आई वॉन्ट टू राइट कि हमारे पास जो छोटा सा वो चार्ज है, छोटा सा ब्लैक पीस जो मैंने कट गया, उस पर चार्ज कितना है, तो यू कैन इजिली राइट, कैसे लिखोगे आप, चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको पता है विच इज लैम्डा, यू मल्टीप्लाई इट विथ लेंथ और विड्थ ऑफ योर चार्ज विच इज डी एक्स, है ना, तो आपके पास चार्ज कितना है डी एक्स, तो आप इसका पूरा वैल्यू भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल के हम लोग लैम्डा के टर्म्स में ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ईजी पड़ो, वो फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। तो छोटा सा जो चार्ज था ना वो हमें मिल गया, कितना है चार्ज का वैल्यू डी क्यू, कैसे लिखोगे उसको, लैम्डा, लैम्डा इज वॉट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो सर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो आपको चार्ज मिल जाएगा, तो लेंथ क्या हमारे पास डी एक्स, तो ये वैल्यू आ गया चार्ज का, छोटा सा ब्लैक पीस, ठीक है। अब उसके बाद आप ये नोटिस करो कि बिकॉज ब्लैक पीस जो चार्ज है हमारे पास वो एक पॉजिटिव चार्ज, अरे पूरा रॉड ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एक छोटा सा पीस लोगे वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत छोटा चार्ज है, वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज, अगर वो वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डी लिखते हैं, इट सिंपली मीन्स वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसका डायरेक्शन क्या है, इस तरह से जाएगा अवे फ्रॉम छोटा सा डी क्यू चार्ज, बेसिकली राइट राइट साइड में, राइट अपवर्ड डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इट ऑल्सो मीन्स कि आपका कॉम्पोनेंट जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, You'll have two components, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग है, सो आई नीड टू राइट समथिंग, तो मैं क्या करूंगा, इसका दो कॉम्पोनेंट ब्रेक कर लूंगा, सो मैं एक कॉम्पोनेंट बना रहा हूं डी ई, और एक दूसरा कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, ये ध्यान देना बच्चों, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो आपका हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है, काफी गंदा लिख दिया मैंने, फिर से लिख देता हूँ, डी साइन थीटा, ठीक है, और आपका जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो आपको ये भी समझ में आया कि रॉड के हर एक पीस का, हर एक छोटे छोटे पीस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हॉरिजॉन्टल भी होगा एंड वर्टिकल भी होगा, दोनों कंबाइन करके एक फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हर एक पॉइंट, और रॉड का हर एक पीस जो आप लोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे उसको कुछ बोल देते ना, जैसे पॉइंट पी बोल देते हैं, ठीक है, तो पॉइंट पी जो हमारा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल भी आएगा एंड वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कॉम्पोनेंट होंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज दोनों कॉम्पोनेंट, इट ऑल्सो मीन्स कि हमें इंटीग्रेट करने के लिए किसी एक को पकड़ना होगा, तो या तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेकर पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ कंप्लीट रॉड क्या आ रहा है उस पॉइंट पी पे वो देखो, एंड देन आप वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूरे रॉड का यूटिलाइज करके आपको देखना है कि टोटल कितना आएगा, एंड वंस यू गेट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंप्लीट रॉड की वजह से पॉइंट पी, एंड वंस यू गेट वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है बिकॉज ऑफ कंप्लीट रॉड, देन फिर आप दोनों को कंबाइन करके फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आप
ई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू दैट इन नेक्स्ट पार्ट, है ना।